कैसे कर सकते हैं हम भगवान श्री गणेश की पूजा, आइए पंडित से जानते हैं। पंडित जी बताइए कि गजानन को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना कैसे करें, उनकी पूजा कैसे करें। देखिए, मैं यही तो बता रहा हूँ कि गणेश जी की आराधना आप पंचोपचार करें, लेकिन आप गणेश जी की आराधना खोटसोपचार भी कर सकते हैं। माने 16 प्रकार का उपचार खोटसोपचार कहलाता है, और राजोपचार 64 प्रकार से गणेश जी की पूजा करने को राजोपचार कहते हैं, तो राजोपचार पूजन भी कर सकते हैं। तो गणेश जी की विधिवत पूजा करके और ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का जप करके और गणेश जी को अपने मूलाधार चक्र पर स्मरण करते हुए ओम गं गणपतये नमः का जप करके आप गणेश की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और यदि गणेश जीवन में कृपालु हो जाए तो जीवन में कभी कोई विघ्न हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे में गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए सारी पूजा करने के बाद एकाग्र चित्त होकर के अपने मूलाधार चक्र पर चतुर्दल कमल पर 4 कमल की पंखुड़ियों की कल्पना करनी चाहिए। उस पर पीत वर्ण पीले वस्त्र में गणेश जी बैठे हुए हैं, ऐसा विचार करके ध्यान करना चाहिए और ओम गं गणपतये नमः का जप करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और गणेश जी की संपूर्ण कृपा जातक के ऊपर बनती है। गणेश सहस्रार्चन, गणेश जी के 1008 नामों से दुर्वांकुर और लड्डू जो लोग गणेश जी को समर्पित करते हैं, उनके जीवन के सारे विघ्नों का समाधान भगवान गणेश की कृपा से अवश्य हो जाता है। जयपुर से एक दर्शक जुड़ गई है, कंचन जी स्वागत है आपका, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। 1996 जी, और 5 अप्रैल और दिन में 3 रात के 3 बजे जन्म हुआ जी। सवाल बोले। सवाल इसकी पढ़ाई के बारे में, मतलब क्या पढ़ाई, मतलब कैसी क्या है। कंचन जी, आपने जो अपने बच्चे के पढ़ाई के बारे में प्रश्न किया है, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि अभी इनके पढ़ाई की स्थिति बहुत मध्यम है, इनको बहुत परिश्रम करने की जरूरत है। इनको चाहिए कि हर दिन एक ही सफेद फूल सही लेकिन सरस्वती के चित्र पर जरूर चढ़ाएं और ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का जप करें। जोधपुर से एक दर्शक जुड़ गए हैं, प्रतीक स्वागत है आपका। प्रतीक जी अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। नमस्कार मेरा जी। नमस्कार पंडित जी को भी नमस्कार मेरा। हाँ नमस्कार। मैं अपने बच्चों के बारे में पूछना था, उसका 17/2 है डेट ऑफ बर्थ जी। नाम है रूपक दास और 11:45 पे जन्म है। सवाल बोले। उसको पढ़ाई में कैसा होगा थोड़ा जानना था। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है इसके आधार पर शुक्र और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति द्वितीय द्वादश है, पढ़ाई में भविष्य अच्छा रहेगा, लेकिन अभी और भी परिश्रम और देखरेख की जरूरत है। पढ़ाई में भविष्य इनका ठीक रहेगा। आपको चाहिए कि शुक्रवार के दिन इनको दही खाने में आप जरूर खिलाइए, जिससे इनके शिक्षा का वातावरण ठीक होगा। कटनी से एक दर्शक जुड़ गए हैं, तेज भान। तेज भान जी स्वागत है आपका, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। मेरी उम्र 30 वर्ष है। तेज भान जी आप हमें सुन पा रहे हैं? 30 वर्ष आपकी उम्र है जी। सवाल बोले अपना। यही अपने बारे में जानना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने अपने बारे में जो प्रश्न किया है, तो आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र द्वितीय भाव में बैठा हुआ है और भाग्य इस चंद्रमा से चतुर्थ दशम की स्थिति में है। अभी आपके जीवन में संघर्ष बरकरार है और काफी संघर्ष करके आप अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, लेकिन 2016 के बाद आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपको हर कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। आरा से एक दर्शक जुड़ गए हैं, राजकुमार जी स्वागत है आपका, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। राजकुमार जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी मैम जी। अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। मेरी उम्र 19 वर्ष है जी। सवाल बोले। और मेरा सवाल है मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17/11/1994। सवाल बोलिए। मैं पूछना चाहता हूँ मेरा नौकरी लग गया कि नहीं जी। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है बेटा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चंद्रमा और शुक्र की स्थिति परस्पर चतुर्थ दशम है। अभी आपकी नौकरी में काफी विलंब की स्थिति है, अभी आपकी नौकरी में काफी देर की स्थिति है। आपको चाहिए कि आप दुर्गा चालीसा का रोज पाठ करिए, निश्चित रूप से इससे कुछ आपका भाग्योदय होगा। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के आज के राशिफल की, जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा,
मित्रों और भाइयों से सहयोग प्राप्त होगा और पूजा पाठ और धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। आज आपको कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है, आपको चाहिए कि आप शनि का उपाय करें। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब कौन सा है गणपति का 11वां स्वरूप? भालचंद्रो गजानना, 11वां स्वरूप भालचंद्र का है। भालचंद्र स्वरूप अक्षत के साथ लाल कपड़े पर गणेश जी की स्थापना करें, पंचोपचार पूजन कर ऋतु फल का भोग लगाएं। ओम क्रीम ह्रीम गंग भालचंद्राय नमः मंत्र का चंदन की माला पर 19 माला जप करें। पंचामृत के साथ सिंदूर जरूर अर्पित करें। गणपति के इस स्वरूप की आराधना से मानसिक शांति मिलती है और तनाव से मुक्ति होती है। पंडित जी, गजानन का 12वां स्वरूप कौन सा है? भगवान श्री गणेश का जो 12वां स्वरूप है वो गजानन का स्वरूप है। इनकी आराधना से इन्हें आपको चाहिए कि अक्षत के साथ लाल कपड़े पर स्थापित करें, पंचोपचार पूजन कर मिठाई के साथ पंचमेवे का भोग लगाएं। ओम गज गजाननाय नमः इस मंत्र का लाल चंदन की माला पर 19 माला जप करें। पंचामृत के साथ गणेश जी की आराधना करें। गणपति के इस स्वरूप की आराधना से सभी मनोरथ पूर्ण होता है। पंडित जी, कुंभ राशि का दैनिक राशिफल? आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन प्रसन्न रहेगा, घर के खर्चे बढ़ सकते हैं, सावधान रहें, आज आपके बच्चों की तरक्की होगी। ओम मृंग बृहस्पतये नमः मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मीन राशि का राशिफल? आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कामकाज में रुकावट आ सकती है, कहीं से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आज आपका पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज आपको चाहिए भगवान शिव शंकर की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो काल चक्र में आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।